आखिरकार देश की जनता को पेट्रोल और डीजल के दामों से राहत देने का फॉर्मूला निकल ही गया। 2.5 से 5 रुपए तक की राहत मिलेगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये राहत काफी है, और अगर यहां से फिर से रुपया हुआ कमजोर और कच्चे तेल के दाम बढ़े तो क्या होगा? क्या ये पहला और आखिरी सॉल्यूशन है सरकार की तरफ से? आर्थिक मोर्चे पर क्या सरकार इस बोझ को झेल पाएगी? ढेर सारे सवाल हैं जो इकोनॉमी से जुड़े हैं, बाजार से जुड़े हैं। साथ ही इतना बड़ा मुद्दा है पेट्रोल और डीजल का, तो राजनीति तो होगी ही। अब एक तरह से सरकार ने तेजी से दाम घटाकर विपक्ष के पाले में गेंद फेंक दिए। बीजेपी के शासन वाले सारे राज्य दाम घटा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के शासन वाले राज्यों को अभी भी पहल करना बाकी है। तो क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा? अब इन सब मुद्दों पर होगी बात, क्योंकि एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ इकोनॉमी है। तो इन दोनों के बीच में कैसे बनेगा संतुलन, और इन सब के बीच में देश की जनता जो बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान थी, क्या उनके लिए एक सही फॉर्मूला निकल आया है? तो बड़ा सवाल यही है, देर आए मगर दुरुस्त आए क्या, यही है आज देश की बात। पहले समझें आज क्या हुआ। पेट्रोल डीजल की बेकाबू होती कीमतों ने आज सरकार को हरकत में आने पर मजबूर कर दिया। देश के वित्त मंत्री खुद मीडिया के सामने आए और ऐलान किया कि केंद्र सरकार अपने हिस्से की एक्साइज ड्यूटी से 1.5 रुपए की राहत देगी, 1 रुपया तेल कंपनियां छोड़ेंगी। इस तरह आम आदमी को 2.5 रुपए की राहत मिलेगी। साथ ही जेटली ने राज्यों से भी 2.5 रुपए वैट कम करने की गुजारिश की है, यानी जिन राज्यों ने उनकी बात मान ली वहां राहत कुल 5 रुपए प्रति लीटर की हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग 2.5 रुपए तुरंत कंज्यूमर्स को इसका रिलीफ देंगे। इस पर विपक्ष ने क्या कहा, ये दिखाने से पहले आपको बता दें कि हमेशा की तरह देश की ये सबसे बड़ी खबर जी बिजनेस ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दी थी। हमारे सूत्र में ये बता रहे कि सरकार एक साथ बड़ा कट करने की तैयारी में, सरकार ने मन बना लिया है कि एक साथ बड़ा कट दिया जाएगा जिसका लोग वाकई में जिसे फील कर सके। बहरहाल वित्त मंत्री की गुजारिश का असर दिखने लगा है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत कई राज्यों ने वैट में 2.5 रुपए की कटौती कर दी है, लेकिन जिस तरह पिछले दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसे देखते हुए इस राहत को ऊंट के मुंह में जीरा के तौर पर देखा जा रहा है। पेट्रोल पर तो जो आज थोड़ा सा कम किया है महाराष्ट्र में, लगभग 39% वैट है और औसत वैट कहीं भी 28 से 35% से कम कहीं नहीं, और यही डीजल का हाल है। तो वो लाखों करोड़ रुपया दिल्ली में मोदी सरकार लूटती है, प्रांतों में भाजपा की प्रांतीय सरकारें लूटती हैं, और आप कहते हैं कि रेट कम करेंगे। आम लोग भी कह रहे हैं कि इतनी कटौती से काम नहीं चलने वाला। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा। अभी बढ़े हैं वो देखो ना कि कितना बढ़ा है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ये है कि जीएसटी के दायरे में आए जाए। 2.5 रुपए कम करने से तो मैम नहीं फर्क पड़ेगा, 10 रुपए हम बढ़ा देते हैं, 2.5 कम कर देते हैं तो उससे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या था मामला? डायनेमिक प्राइसिंग के तहत पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। केंद्र सरकार पेट्रोल पर करीब 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही थी। ऐसे में सरकार पर लगातार पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का दबाव बन रहा था। केंद्र और राज्य दोनों का टैक्स मिला दें तो पेट्रोल पर अभी 37 से 40 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगता था, जबकि डीजल पर 26 से 30 रुपए टैक्स लगता था। अब क्या होगा? पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज कटौती से सरकार पर करीब 10,500 करोड़ का भार पड़ेगा, जबकि मार्केट के जानकार मानते हैं कि ये फैसला कंज्यूमर के लिए तो अच्छा है लेकिन बाजार के लिए ठीक नहीं है। कंज्यूमर्स के लिए के हित में है फैसला, अच्छा है, बट मार्केट क्या देख रहा है? मार्केट देख रहा है फिस्कल डेफिसिट स्लिप होगा। ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सब्सिडी के दौर से निकल आई थी वो फिर से एक दूसरी तरह तरीके से खिड़की खुली रह गई और फिर से एक ये सब्सिडी आ रही है जो उनकी बैलेंस शीट को हानि पहुंचाएगी।
आम आदमी को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार ने थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने दखल देने में इतनी देर क्यों लगाई, और राहत दी भी तो क्या इतनी राहत काफी है। सवाल ये भी है कि क्या आने वाले चुनावों में पेट्रोल डीजल की महंगाई बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है, या फिर जैसा कि होता आया है, चुनाव आते आते एक बार फिर सरकारी डंडा चलेगा और तेल की कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी। इसी पर होगी देश की बात। देर आए दुरुस्त आए क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देर आए मगर दुरुस्त आए क्या, ये है आज का बड़ा सवाल। और सवाल का जवाब देने के लिए और इस सवाल पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएम वासुदेव साहब, जो पूर्व वित्त सचिव हैं, वित्त मंत्रालय में वो 1966 से 2003 तक कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आर एस पांडे साहब हमारे साथ, पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी, सरकारी कामकाज का लंबा अनुभव रखते हैं और कई सरकारी विभागों से वो जुड़े रहे हैं। टीसीए श्रीनिवास राघवन साहब, वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता का गहरा और लंबा अनुभव वो रखते हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। बसंत माहेश्वरी साहब है, जाने माने वेल्थ एडवाइजर हैं, शेयर बाजार का लंबा अनुभव रखते हैं, कोलकाता के सेंट जेवियर से उन्होंने पढ़ाई की है और एक द थॉटफुल इन्वेस्टर ये किताब भी उन्होंने लिखी है। मोहन गुरु स्वामी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, 1998 में वित्त मंत्री के सलाहकार रह चुके हैं, सेंट्रल फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव के चेयरमैन हैं और वो भी काफी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। मोहम्मद अली खान साहब है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और देश के राजनीतिक डेवलपमेंट पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नरेंद्र तनेजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो इंटरनेशनल स्पीकर तो हैं ही, किताबें लिख चुके हैं कई सारी, वर्ल्ड एनर्जी पॉलिसी समिट के प्रेसिडेंट हैं, विदेशी मामलों के और पेट्रोलियम से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बेहद गहरी पकड़ रखते हैं। आप सबका स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहली बार जिनके साथ मैं शो कर रहा हूं, तो शो का फॉर्मेट आपको बता दूं, हमारे शो की शुरुआत में हम आपसे तीन सवाल पूछेंगे, उन तीन सवाल के जवाब आपको हाँ या ना में देने हैं, और आप चाहें तो नो कमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन इन सवालों पर विस्तार में चर्चा हम कार्यक्रम में आगे करेंगे। उसके बाद एक सवाल देश की जनता के लिए होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आज की बहस का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मैन ऑफ द मैच और डायलॉग ऑफ द डे, ये दो अवार्ड होंगे जो आप में से किन्हीं किन्हीं पैनलिस्ट के लिए ही होंगे जिनकी परफॉर्मेंस इस शो में जबरदस्त रहेगी। तो चलिए आज का रैपिड फायर राउंड शुरू करें, आपको हाँ या ना में जवाब देने। सवाल सुन लें, पहला सवाल क्या है, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती राजनीतिक मजबूरी की वजह से की गई है? पहला सवाल, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती राजनीतिक मजबूरी से की गई है? सीएम वासुदेव साहब, और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद हाँ या ना में जवाब न देना चाहें, आप नो कमेंट्स भी कह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वासुदेव साहब, हाँ ना या नो कमेंट्स? हाँ, हाँ है। ओके, पांडे साहब, आर एस पांडे साहब, ओके, आर एस पांडे साहब अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ। श्रीनिवास राघवन साहब, हाँ या ना? हाँ, हाँ। बसंत माहेश्वरी जी, हाँ, ओके, बिल्कुल हाँ, हाँ है। मोहन गुरुस्वामी साहब, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ है। ओके, मोहम्मद अली खान साहब, आपका जवाब तो हाँ ही होगा। अच्छा, ओके, उनसे मैं आगे बात करता हूँ। तनेजा साहब, आपका जवाब हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये है पहला सवाल। अब आइए दूसरा सवाल आपके सामने रख दूं, क्या पेट्रोल डीजल की महंगाई से बीजेपी को चुनाव में नुकसान होगा? पेट्रोल और डीजल से के बढ़ते हुए दाम बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ ना या नो कमेंट्स? वासुदेव साहब, आपका क्या मानना है? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। पांडे, पांडे साहब नहीं है। श्रीनिवास राघवन साहब, हाँ या ना? नो कमेंट, नो कमेंट। बसंत जी, मुझे लगता है कि इससे हाँ, मतलब हाँ, हाँ में है। ओके, नुकसान पहुंचेगा। ओके, मोहन गुरु स्वामी साहब, हाँ या ना? हाँ, हाँ है। ओके, तनेजा साहब, नो, नहीं, नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल और उसके बाद हम बातचीत की करते हैं शुरुआत, क्या पेट्रोल
और डीजल पर टैक्स की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए, कितना टैक्स लगाया जाए, क्या ये कोई कोई लिमिट होनी चाहिए क्योंकि दामों के साथ टैक्स बढ़ते जाएं, या फिर एक मात्रा तय होनी चाहिए कि इतना ही टैक्स लगाया जाए। ये है तीसरा सवाल, क्या टैक्स की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए। वासुदेव साहब, हाँ या ना? ना ना। ओके पांडे साहब, ओके पांडे साहब नहीं। श्रीनिवास राघवन साहब, ना। ओके नहीं है। वसंत जी, आपका जवाब? नहीं, नहीं होनी चाहिए। ओके गुरुस्वामी साहब, ना। नहीं होनी चाहिए। ओके तनेजा साहब, नो कमेंट। नो कमेंट्स, परफेक्ट। चलिए ये तो हुआ आज के तीन सवाल हमारे पैनलिस्ट के लिए, और अब है आज का कड़क सवाल, वो देश की जनता के लिए। क्या पेट्रोल और डीजल में जो कीमतों में कटौती की गई, टैक्स में जो कटौती की गई और जिसकी वजह से कीमतें घट रही है, क्या आपको लगता है क्या ये कटौती काफ़ी है? इस सवाल का जवाब आपको देना है। दो तरीके हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, @ZeeBusinessOnline, ये है हमारा फेसबुक पेज, यहाँ पर जाकर आप वोट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएं, @ZeeBusiness, पोल खुला है, वहाँ पर आप अपने जवाब दे सकते हैं। बस कार्यक्रम के दौरान हम आपके जवाब को शामिल करेंगे और बताएंगे कि देश की जनता इस बारे में क्या सोची। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, और शुरुआत करता हूं दो पंक्तियों के साथ, ये तो पता नहीं कि लिखा किसने लेकिन आज के माहौल पर एकदम फिट है। सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। तो पहले भाव बढ़ें अब घटें। तनेजा साहब, आज का जो फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला ये है कि 1.5 रुपये की कटौती केंद्र सरकार की तरफ से, 1 रुपये की तेल कंपनियों की तरफ से, और 2.5 रुपये की कटौती राज्य सरकारों की तरफ से होगी। सर अगर यही फॉर्मूला बनाना था तो इतना वक्त क्यों, क्योंकि 2.5 रुपये की कटौती तो आपके हाथ में नहीं है, राज्य सरकारें करेंगी नहीं करेंगी पता नहीं, 1 रुपये की जो कटौती तेल कंपनियों को करनी है वो तो आप जब भी बोलेंगे उन्हें करना ही है, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। सिर्फ 1.5 रुपये केंद्र सरकार को जो दाम घटाने थे उसके लिए इतना लंबा वक्त लगा? नहीं देखिए, ये खाली केंद्र सरकार ने नहीं घटाए हैं, सब राज्यों से बातचीत हुई है, कई राज्यों से बातचीत हुई है, विभिन्न दलों से बातचीत हुई है, कंपनियों से भी बातचीत हुई है। और आपका ये कहना कि केंद्र जो है वो निर्देश दे सकता है कंपनियों को आप 1 रुपया, ऐसा नहीं होता। ये ऑटोनोमस कंपनीज हैं, सरकार की इनमें वो जरूर है लेकिन लिस्टेड कंपनीज भी हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। बातचीत आपको करनी होती है, सब लोगों से बातचीत हुई है, मई से ये बातचीत चल रही थी। हमें ऐसा लगा कि भाई ठीक है, शायद हालात सुधरेगी, शायद कच्चे तेल की कीमतें कम होंगी, लेकिन हमने प्रयास भी किया, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं अमरीका ने तो ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए, और जिस हिसाब से सारा कुछ हुआ उसको देख करके भाई इसको थोड़ा और तेजी इसमें लाई गई। और ये जो आज फैसला अनाउंस जरूर किया है केंद्र ने, लेकिन सब इसमें भागीदार हैं, सब लोगों को आपने इसीलिए देखा 10 राज्यों ने कम कर दिया और उम्मीद करते हैं जो अन्य राज्य वो भी और कम करेंगे। तो इसमें ये देखिए, इसमें जो तेल की जो कीमत होती है उस पर तो वो तो निश्चित है, उसको तो भारत सरकार या कोई भी कुछ कर नहीं सकता। बाकी आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं केंद्र सरकार के पास, एक्साइज को लेकर के राज्य सरकारों को, वेट पे ज्यादा पैसा राज्य सरकारों को जाता है। आज कम से कम देश के लोगों को ये जरूर स्पष्ट हुआ है कि भाई ज्यादा जो पैसा है वो राज्य सरकारों पर जाता है, एड वेलोरम जाता है उनके पास। तो ये इस पर थोड़ा क्लैरिटी एक आई है, और आज भी आप देख रहे हैं कि पंजाब अभी भी अड़ा हुआ है, तो सबने कह दिया है लेकिन पंजाब कहता है हम कम नहीं करेंगे, जबकि वहां 90 रुपए जाके पेट्रोल पहुंच चुका है और उनका जो एक्साइज है 34.86 है। अब भाषण देना बड़ा आसान काम होता है, हमारी पंजाब के कार्यक्रम के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री को आग्रह करते हैं कि भाई सारे राज्य कर रहे हैं, केंद्र ने भी कर दिया, आप इतनी जनता के खिलाफ क्यों हैं, आप भी अपना रात को 12 बजने से पहले इसको कम करिए, 2.5 रुपए का अभी पूछ ही लेता हूं, ज्यादा कर दीजिए, अभी पूछ ही लेता हूं, स्टूडियो में आके शोर ना मचाइए। बिल्कुल, मैं अभी मोहम्मद अली खान साहब हैं हमारे साथ में, पूछ ही लेता हूं। मोहम्मद अली खान साहब जी, केंद्र ने जो केंद्र ने गेंद है आपके पाले में डाल दी, अब राज्य सरकार को डिसीजन लेना है, और आप तनेजा साहब सीधे सीधे पंजाब की तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अभी तक एक भी कांग्रेस के राज्य ने, कांग्रेस का जहां शासन है उस राज्य ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाए, क्यों अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जी मैं इनका जवाब देता हूं, मैं बड़े सबर से इनकी बात सुन रहा था, मैं यही कहूंगा पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं 2.5 महीने से इन लोगों ने पैर गड़ा लिए हैं, और ये जो
तनेजा साहब और उनके सहयोगी जो लाइन ले रहे हैं चैनलों पे आके, मुझे हैरानगी होती है कोई सरकार इतनी असंवेदनशील और इतनी गुरूर वाली हो सकती है, इतना अहंकार हो सकता है किसी सरकार में। 25 रुपए आपने दाम बढ़ाया है एक साल में और आप 2 रुपए कम करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, 2.5 रुपए कम करके पीठ थपथपा रहे हैं। आप जो गर्व से कहते हैं आप 19 राज्यों में आपकी सरकार है, आज एक कांग्रेस की सरकार का हवाला देके बोल रहे हो कि हमने जो करना था कर दिया, अब आप राज्य सरकारों से बात करो। मैं आपको एक और बात बता दूं, 2 हफ्ते पहले बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस दिस डिसीजन, उससे पहले ही कर्नाटक सरकार ने 2 रुपए कम कर दिया था, वहां भी कांग्रेस की ही सरकार है, और पंजाब में भी कुछ ही दिनों में हम उम्मीद रखते हैं कमती आएगी जरूर, बातचीत चल रही है। मगर मैं आपको एक चुनौती देता हूं, मुझे हैरानगी होती है आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों करते हैं, आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ले आते तेल को? हम लोगों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आपको चुनौती भी दी है, क्योंकि आपको कांग्रेस तैयार है सर इसके लिए। खान साहब, खान साहब क्या, खान साहब सुनिए ना, आप बड़े खान साहब क्या, खान साहब सुनिए, खान साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुने, क्या कांग्रेस तैयार है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए? जी जी, हमने इस पे बड़ा स्पष्ट बयान भी दिया है, हमारे नेताओं ने इस पे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो ये चाहे तो आज रात ले सकते हैं, क्योंकि 19 राज्यों का वोट इनके साथ है, केंद्र का वोट इनके साथ है, ये रातों रात ये फैसला हकीकत में तब्दील हो सकता है, मगर ये करेंगे नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि जो इन्हें लाभ मिल रहा है, जो इन्हें 11 लाख करोड़ जो एक आंकड़ा लोग पेश करते हैं, जो लाभ हुआ है इन्हें पिछले 3-4 साल में, ये उसे नहीं खोना चाहते। चलिए ठीक है, मैं इस पे $80 प्रति बैरल, कांग्रेस $150 प्रति बैरल खरीदती थी। जी, मैं इस पे तनेजा साहब से राय लूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज है जिस पर मुझे राय लेनी है, वो है तनेजा साहब ने कहा कि तेल कंपनियों को ऑटोनॉमी है दाम बढ़ाने या घटाने की, इसलिए हम उन्हें ऐसे निर्देश नहीं दे सकते कि दाम अपनी मर्जी आए तब बढ़ाने घटा दे। लेकिन पांडे साहब, सेंट्रल एक्साइज तो आप ही करते हैं, सेंट्रल एक्साइज तो आप ही लागू करते हैं। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। श्रीनिवास राघवन साहब के पास मैं आना चाहता हूँ। राघवन साहब, क्या वाकई में तेल कंपनियां ऑटोनॉमी एंजॉय कर रही है, या फिर आपको लगता है कि सरकार ने पूछा होगा कि आप 1 रुपए दाम घटाएंगे या नहीं, या ऑर्डर दिया है? हुक्म देने के अलग अलग तरीके होते हैं जी, तो मैं तो ये नहीं मानता कि अगर पेट्रोलियम कंपनीज को कहा जाए कि आप दाम ऊपर करो या नीचे करो, कि वो बियॉन्ड अ पॉइंट वो लोग मना नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। होगी तनेजा साहब ने कहा था कि दे आर लिस्टेड कंपनीज, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, यही फर्क पड़ता है कि उन कंपनीज के जो स्टॉक प्राइस है, जैसे आज हुआ, वो कम हो जाएगी। बट ऑन द सब्सटेंटिव इशू कि ऑयल कंपनीज रिफ्यूज कर सकती हैं जो गवर्नमेंट कहती है, ये सही बात नहीं है। ऑटोनॉमी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, देयरफॉर आई डोंट थिंक दे हैव एन ऑप्शन। ठीक बात है। बसंत माहेश्वरी साहब, अगर ऑटोनॉमी होती तो बाजार का रिएक्शन शायद वो नहीं होता जो था, 20-20% HPCL, BPCL, IOC के शेयर लुढ़क गए, शायद जितना दाम घटाने से फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया 30-32 हजार करोड़ रुपए से। क्या वाकई में बाजार ये मानता है कि सरकारी कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है और वो अपने हिसाब से काम करती है? नहीं, बाजार ये मानता नहीं है, मानने की चेष्टा करता है। सरकार हर वक्त हमें कहती है कि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस है, और हम सुनते हैं और फिर हम सोचते हैं शायद ऑटोनोमस है, लेकिन ऑटोनोमस है ही नहीं। ये सब सिस्टम में आप देखिए, नॉर्मली अगर सरकार को अगर ये कंपनी अपने हिसाब से चलानी होती तो मुझे लगता है इनको पब्लिकली लिस्टेड करनी ही नहीं थी, इनको 100% या तो बायबैक कर ले पहले, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो बेचारा सुबह से शाम बॉस की गालियां खाकर सैलरी लेकर आता है और शाम को 10-20-50 शेयर खरीदता है, अगले दिन देखता है मेरे शेयर 20% गिर गए हैं, क्योंकि वो उसको इतनी अकल ही नहीं है कि ये कब कौन सा डिसीजन राजनीति से प्रेरित होता है और कौन सा डिसीजन इकोनॉमिक्स से आता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है। और बात अनिल जी सिर्फ एक HPBP के गिरने की 22% की नहीं है, पूरा सेंसेक्स गिर जाता है, माहौल खराब हो जाता है। इतने सालों से जो मेहनत करके म्यूचुअल फंड्स में लोग आ रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि म्यूचुअल फंड से लोगों का विश्वास भी उठ जाए, बिकॉज बाजार आपको पता है कि 2 कंपनियां गिरती है, 2 अपने साथ 20 लेती है, 20 अपने साथ 200 कंपनियां को इम्पैक्ट करती है। तो माहौल को क्रिएट करना चाहिए, अभी सिचुएशन इतना डिफिकल्ट है तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान देकर चलाना चाहिए। और मैं 2 मिनट और लूंगा बोलने के लिए जी। पहली बात, सरकारें इंडिया में मोस्टली महंगाई पे आती है और जाती है। प्याज अपने देखा 90s में और 2000 में, प्याज का दाम 60-70 रुपया हो गया, लेकिन कच्चे तेल का दाम एक बाजार में रहने वाले आदमी की तरह, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हुए हम लोग, उनके लिए मुझे लगता है इसका कोई उपाय ही नहीं है। ये एक जॉन्डिस की तरह है, 3-4-5-6 महीना पेशेंट रहेगा, तकलीफ में रहेगा,
कम खाए, नॉर्मल रहे, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं इसको लेकर? आप जहां तेल का दाम बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन हो जाएगा, आप नहीं बढ़ाएंगे फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, और इसके साथ नॉर्मली आपका डॉलर भी उल्टा चल गया। तो मोटा मोटी हम गवर्नमेंट को हम दोष दे सकते हैं दाम के लिए, लेकिन वो दोष देना गलत है। गवर्नमेंट के हाथ में ही कुछ नहीं है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारे अंदर तेल ही नहीं है इंडिया में, हम इम्पोर्ट करते हैं, वी आर डिपेंडेंट। अब इलेक्ट्रिक कार कब आएगी, कब क्या होगा, बट जो सिचुएशन हमारे पास है दैट कुड हैव बीन हैंडल्ड मच मच बेटर। जी वासुदेव साहब, चूंकि आप वित्त सचिव रह चुके हैं, क्या वाकई में इस सिचुएशन में जो सरकार ने क्या क्या यही बेस्ट सॉल्यूशन था, और क्या देश के आर्थिक हालात इस वक्त ठीक है ना कि हम इस तरह के झटके को झेल पाएंगे इकोनॉमी के फ्रंट पर? सर नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि ये बहुत मुनासिब फैसला हुआ है। इसके दो तीन कारण हैं मेरे हिसाब से। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से कई सालों के परिश्रम के बाद ऑयल सेक्टर में जो पहले एडमिनिस्ट्रेट प्राइस रिजीम का होता था तंत्र, उसको ख़त्म करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को डायनेमिक प्राइसिंग के माध्यम से बाजार से लिंक्ड प्राइस फिक्स करने का अधिकार मिल गया था। तो वो अपने आप कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता। अब ये जो एक रुपया उनके ऊपर डाल दिया गया कि आप किस बेसिस पे एक रुपया कहा गया है, दो क्यों नहीं कहा गया, तीन क्यों नहीं कहा गया, ये एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म को जो ख़त्म किया गया था, इसकी बैकडोर से फिर एंट्री हो रही है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ रेट्रोग्रेड खराब कदम है। दूसरी बात यह है कि पहले जब क्रूड के प्राइसेस 25-30 रुपए तक नीचे गिर गए थे जी, तब सरकार ने बहुत सारा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया था, बहुत सारा मॉप अप कर लिया था अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सब्सिडीज को कम करने के लिए जी। तो अब जब दाम बढ़ गए हैं इतने ज्यादा, तो अपने जो एक्साइज ड्यूटीज कम करें, सेल्स टैक्स कम करें, वो तो समझ में आती है बात, मगर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर बोझ डालना तो बिल्कुल गलत बात है। तो इसके ऊपर सरकार को अपनी ड्यूटी कम करनी चाहिए। बुनियादी तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप इसको जीएसटी के दायरे में लाइए, जीएसटी के दायरे में आएगा, क्योंकि ऑयल ही एक ऐसी आइटम है जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। जीएसटी का मेन मकसद यह है कि टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे। ये पहले एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसी एक्साइज ड्यूटी पे सेल्स टैक्स लगता है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ पहले शायद किसी ने कही थी, वो भी अपनी जगह बहुत मुनासिब है, कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोलियम पे, वो तो फिक्स्ड रेट है, रुपए में है, इतने रुपए लगेगी, मगर जो स्टेट्स लगाते हैं वो एड वैलोरम है, वो परसेंटेज है, अगर दाम बढ़ते हैं तो उनका रिटर्न बढ़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स, मैं समझता हूँ इसमें जो इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला है, कि उनके इनका एड वैलोरम रेट है, तो उनको ये कम करना चाहिए। ये तो विंडफॉल गेन है उनके लिए, तो ये तो कंज्यूमर को जरूर पास ऑन करना चाहिए। इसको मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स के जरिए इकोनॉमी को ड्राइव करना बहुत अच्छी बात नहीं है। बात है, तो ये टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करके, ना कि ऑयल कंपनीज के ऊपर बर्डन डाल के, एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म का जो तंत्र है उसको बैकडोर से वापस नहीं लाना चाहिए। परफेक्ट। मोहन गुरुस्वामी साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। 1998 में आप वित्त मंत्री के सलाहकार रह चुके थे, अगर आज आप इस वित्त मंत्री के जो जेटली साहब हैं उनके सलाहकार होते तो उन्हें क्या राय देते, कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है, किस तरह से इकोनॉमी को भी ठीक रखना है और जनता को भी राहत देनी है, ये फॉर्मूला कैसे निकालते सर आप? देखिए, इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकती सरकार, क्योंकि ये जो इस पे इनकम आती है पेट्रोलियम टैक्सेस पे, उस पे निर्भर है। एक तिहाई इसकी रेवेन्यूज पेट्रोलियम से आती है, केंद्र में और राज्यों में भी। अब उस पर निर्भर हैं ये लोग और उसकी आदत जो है लग गई है। अगर इसको कम करना है तो एक एक झटके पे नहीं कर सकते आप, एक एक लंबा प्लान बना के इसको रिड्यूस करने की योजना करें आप। मगर ये टैक्स जो है पेट्रोलियम से लेकर के और डालना पड़ेगा, क्योंकि वो इनकम रिकवर करना है, दूसरे पदार्थों पर डालना पड़ेगा। तो इसको सोच समझ के कुछ जल्दी जल्दबाजी नहीं कर सकते, इसको आराम से देखें। मगर ये जो आज की जो नीजक रिएक्शन है कि आवाम में इतनी हलचल मची थी, उसको कुछ देने के लिए कोशिश किए, मगर देखिए क्या क्या मिल रहा
ऑर्डिनरी जो आम 67% पेट्रोल कंजम्पशन होता है टू व्हीलर्स में और 15 या 20 लीटर की महीना की खर्चा होता है, तो एक एक व्यक्ति को जो गाड़ी चलाता है उसको 30 से 50 रुपए की छूट मिलती है और तो एक छोटा सा रिलीफ है मगर कुछ असर नहीं पड़ता क्योंकि लोग जो मैं देख रहा था लोग कह रहे थे कि बहुत कम है बहुत कम है और असंतुष्ट रहते, मगर अगर एक नीति है तो उसके साथ चलना चाहिए, एक लंबा नीति बना के करना चाहिए। वही शॉर्ट टर्म जो है आप कब तक घटा दें, कोई और डिमांड की कि 10 रुपये से कम कीजिए जी, कैसे करेंगे 10 रुपये? ठीक बात, वो रेवेन्यू कहाँ से आएगी? बिल्कुल, आप जो कह रहे बात नहीं है इनको जी 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 सर, जो आप कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए, उस पर दो पंक्तियां मुझे फरत एहसास साहब की याद आती है और वो मैं पढ़कर फिर तनेजा साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं जब कभी उससे पूछता हूं कि यार मरहम कहां है मेरा, तो वक्त कहता है मुस्कुराकर जनाब तैयार हो रहा है। जो किया आपने वो बैंडेज वाला सॉल्यूशन लगता है परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, तो परमानेंट ट्रीटमेंट की जो बात कर रहे हैं सारे पैनलिस्ट और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, कांग्रेस खुद तैयार भी है, खान साहब कह भी रहे हैं कि हम तैयार हैं आप लेकर आइए, फिर दिक्कत क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ सरकार क्यों नहीं बढ़ रही है? ये टेम्प्रेरी बैंडेड वाला सॉल्यूशन कब तक चलेगा सर? देखिए पहले तो मैं इसको स्पष्ट करूं क्योंकि कई मेरे साथियों ने ये बात करी कि भाई ये एपीएम की बात करी जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट वित्त मंत्री ने भी कहा है, पार्टी भी बार बार कर रही है, हम भी कह रहे हैं कि डीरेगुलेशन जो है और रिफॉर्म्स उसी दिशा में सरकार जा रही है। जो भी आज अनाउंसमेंट हुआ है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि डीरेगुलेशन को लेके या रिफॉर्म्स के लेके सरकार कहीं भी 1 मिलीमीटर भी पीछे जा रही है, बल्कि इसके आगे जाएगी, रिफॉर्म्स आगे जारी रहेंगे और डीरेगुलेशन वाले रिजीम इसी को और मजबूत किया जाएगा। उस पर लेकर के जो मार्केट में जो आपने जिसका जिक्र किया थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है, मेरा अपना मानना है, मैं भी समझता हूँ इन चीज़ों को, आने वाले 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएगा, कहीं गलत फहमी हुई है वो ठीक हो जाएगा। वहाँ तो ONGC का भी हो रहा था, हालांकि उससे इसका कोई लेना देना भी नहीं हो, तो अपस्ट्रीम कंपनी है। अच्छा, दूसरा आपने जीएसटी की बात करी, HPCL चूंकि ONGC की सब्सिडियरी है, हमारा तो बिल्कुल क्लियर है कि ONGC चूंकि HPCL की होल्डिंग कंपनी है, HPCL अगर 25% नीचे है तो जाहिर सी बात है कि तनेजा साहब ONGC पर भी उसका असर आना था, ये बड़ी वजह कि ONGC भी आज 10% गिर गया। नहीं नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ उस बात को, क्योंकि ये जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, आपने बात करी जीएसटी की, देखिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, तब हमने जब करा तो उसके अंदर हम तो लेकर के आ गए। जीएसटी जो है टेक्निकली अगर आप उसको देखते हैं तो वो ऑलरेडी जो है हम तो उसका प्रावधान भी कर चुके हैं और अब जो जीएसटी काउंसिल ने तो मात्र रेट तय करना है। अब कांग्रेस की समस्या क्या है कि जब तक वहां एक ही व्यक्ति काउंट करते हैं राहुल गांधी, बाकी किसी की सच्चाई ये है चाहे वो अपने को कुछ भी कहें कितना भी बड़ा बनाए किसी की कोई गिनती है नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं स्पष्ट कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, एक दफे राहुल गांधी आज शाम को बोल दें कि भाई और इंस्ट्रक्शन दे दे कर्नाटक को और सबको पंजाब को कि भाई हम इसके लिए राजी हैं, राहुल गांधी तो इसे गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं। तो ये तरह तरह की जुबान में बोलना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, और राहुल कांग्रेस का मतलब सिर्फ एक परिवार है और राहुल गांधी है, बाकी चाहे वो अपने को कुछ भी समझता, किसी की कतई कोई गिनती नहीं है कांग्रेस में, किसी वो उसकी मिट्टी पर वैल्यू नहीं है चाहे वो अपने को कितना बड़ा समझता। राहुल गांधी बोल रहे कि भाई इसमें जाते हैं, एक दफे नहीं बोला। अच्छा, और जब तक जीएसटी में नहीं आएगा, जब तक जो पारदर्शिता आज दिखाई गई है वो पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक उसे जीएसटी में लाया जाए। हमने प्रावधान कर दिया है, टेक्निकली जीएसटी को हम ला चुके हैं, सिर्फ जीएसटी काउंसिल में रेट फिक्स होना है और वहां सारे फैसले एक मत से होते हैं, लेकिन जो गब्बर सिंह टैक्स कहने वाले हर जगह अड़ंगा लगा रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए भी वो अड़ंगे लगा रहे हैं, वो हिसाब करते हैं और बाकी जगह जगह इस पे मैं खान साहब से एक राय ले लूं। स्टूडियो में क्या आता है जनता को पता है, एक व्यक्ति मायने रखता है राहुल गांधी, बाकी किसी की नहीं। आज मुद्दा हमारे अलग है, मैं खान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले क्योंकि पांडे साहब जुड़ चुके हैं, आरएस पांडे साहब, और वो पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उनसे ये समझना जरूरी है कि आरएस पांडे साहब दो चीजें हैं, एक और तो तेल कंपनियों की ऑटोनॉमी की बात होती है कि भाई उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, उन्हें ऑटोनॉमी दी गई है, जैसा वो करें अपने मार्केट फोर्सेस के हिसाब से दाम तय करें, सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर एक बड़ा मुद्दा भी है और वो ये कि देश की जनता परेशान है और वाकई में जब बात हाथ से निकल रही हो तो सरकार को ऑटोनॉमी को साइड में रख के कहीं ना कहीं दखल देने की ज़रूरत है। जो आज किया गया है क्या वो ठीक है या कोई और बेहतर सॉल्यूशन हो सकता था?
देखिए दाम इतने बढ़ गए जी, डीरेगुलेशन हुआ है, डीरेगुलेशन कंपनीज के हित में है, नेशनल इकोनॉमी के हित में है, लेकिन हम ऐसी चीज का डीरेगुलेशन हमने किया है जो हमारे पास है नहीं, और वोलेटिलिटी इसमें काफी हाई है, और इंटरनेशनल फोर्सेज इसका दाम तय करती हैं, और किसी न किसी कारण से, कई कारणों से इनफैक्ट ये दाम काफी बढ़ गए, जो बजट में हमने अज्यूम किया था उससे काफी दाम बढ़ गए, तो जनता तो हिट हो रही है। तो यहां तो एक संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील सरकार जब देखती है कि अब कोई उपाय नहीं है तो अपना रेवेन्यू फोरगो करके भी दाम कम किया है। इस सरकार ने एक साल पहले भी 2 रुपया कम किया था, आज भी कम किया, और साथ साथ वायल कंपनी को भी कहा कि 1 रुपया कम कर दो, जनता पर जो बोझ है वो कुछ न कुछ कम तो होगा ही। लेकिन जो एक अच्छी बात फाइनेंस मिनिस्टर ने कही वो ये है कि राज्य सरकारों को कम करना चाहिए, और राज्य सरकारों को ये समझना चाहिए, देश को ये समझना चाहिए कि जो सेल्स टैक्स है, जो वैट है, वो एड वैलोरम है, वैल्यू के ऊपर होता है। राज्य सरकारों ने भी जो एज्यूम किया होगा बजट बनाने के टाइम, उससे दाम काफी बढ़ गए तो उनका रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया, और इसलिए राज्य सरकारों को दाम कम करना ज्यादा फिजिबल है। केंद्र सरकार ने तो 1 रुपया 2 रुपया 2.5 रुपया कम करती है तो उससे रेवेन्यू हिट होता है, जो एज्यूम्ड रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है बजट में जी। राज्य सरकारों की स्थिति जो वैट एड वैलोरम है उसके चलते कुछ दूसरी है, तो राज्य सरकारों से भी अपील किया है, कुछ राज्य सरकारों ने कम किया भी है, आज गुजरात ने कम कर दिया, बाकी राज्य सरकारें भी अवश्य इस पर विचार करेंगी जी। तो ये एक एक इसका एक मुद्दा है। दूसरा आप बात कर रहे थे जीएसटी की जी, अगर इसको जीएसटी में लाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो जीएसटी में है ही, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तभी होगा जब काउंसिल इसको तय करेगी और सरकार उस काउंसिल के रिकमेंडेशन के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि जो रेट्स हैं वो उससे ज्यादा रेट अभी राज्य सरकारें वसूल कर रही हैं, केंद्र सरकार वसूल कर रही है, मिला जुला के 28% से काफी ऊपर है एवरेज। तो अगर कोई भी रेट उसमें करेंगे तो नेशनली दाम एक तो हो जाएगा लेकिन रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वो नहीं होगा, और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पर लाएंगे तो फिर बात वही की वही रह जाएगी। कुछ राज्य सरकारों में अंडमान में केवल 6% टैक्स है जी जी, महाराष्ट्र में 40% के आसपास है, तो जब एक करेंगे तो कहीं दाम बढ़ जाएंगे, कहीं दाम घट जाएंगे, कुछ राज्य कॉम्पनसेशन मांगेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हम हिट लेने के लिए तैयार हैं क्या, केंद्र सरकार या राज्य सरकार है? अगर हिट लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर अभी जीएसटी में लाके एक रेट करना इतना फिजिबल नहीं है। ठीक बात, लेकिन है। इस सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनली उसको ला दिया है और जैसे समय आएगा तो वैसा किया जाएगा जी। खान साहब, तनेजा साहब ने गेंद आपके पाले में डाल दी, कह रहे हैं कि भाई आप तो जीएसटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आप तो ये कहते हैं भाई कि जीएसटी नहीं है, ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। कहने के लिए आप टीवी डिबेट में मानते हैं कि हाँ जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ही करती है भाई कि नहीं हमें पूरा पैसा चाहिए तो ही हम इसका समर्थन करेंगे। जवाब क्या है आपके पास? मैं 2-3 बिंदु आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैंने तनेजा साहब की बात के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो मैं उम्मीद रखूंगा वो भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप निश्चिंत होकर बात करें सर, मेरी बहस में कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता, आप आराम से बात रखें। मैं ये बोलूंगा आपसे जी तनेजा साहब, मैंने गौर फरमाया है कि आपकी पार्टी में एक परंपरा बन गई है कि हर बार आके झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो, असंगत बयान दो। पहली बात तो ये, गब्बर सिंह टैक्स आपके क्रियान्वयन पे हम लोगों ने सवाल उठाया था, आज भी उठाते हैं। दूसरा गलत जो झूठ आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाना पड़ेगा, पहले ही जो संशोधन करना था वो हो गया, अब जीएसटी काउंसिल में फैसला होगा, अगर आप चाहें तो कल ही इसे दायरे में ला सके। तीसरी बात, आपने कहा राहुल जी से बयान दिलवा दो, आप मान रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि उन्हें विपक्ष के जो लीडर हैं उनका उनके बयान का इंतजार करना पड़ेगा? पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं जो नीति बनाने से पहले विपक्ष के नेताओं से इजाजत मांगते हैं। आखिर में मैं एक बात कहूंगा, मुझे याद है 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे और आपकी बड़ी खुशनसीबी थी, तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर गए थे, तो मोदी जी ने एक बयान दिया था,
उन्होंने कहा था देखो भाइयों बहनों मेरी खुशनसीबी देश की खुशनसीबी बन गई है, तीन साल तक आपको लाभ मिला, $30 प्रति बैरल पर खरीद रहे थे आप, 30 साल में इतना लो रेट नहीं था। जेटली साहब से पूछा गया, हम लोगों ने सवाल किया जेटली साहब आप दाम 60 रुपए से कम क्यों नहीं कर रहे, प्रोपोर्शनली कम कीजिए, जनता को इसका लाभ दीजिए। जेटली साहब ने कहा उस जमाने में कि हम बफर बना रहे हैं क्योंकि दाम जब बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तब हम उसका लाभ जनता को देंगे और आसानी होगी, जनता को कोई संकट नहीं होगी। अब जब दाम बढ़ रहे हैं और दाम अभी $80 प्रति बैरल है, याद रखिएगा संदर्भ के लिए कांग्रेस के दौरान $150 बैरल पर खरीदते थे, आप कह रहे हैं कि आपने 25 रुपए दाम बढ़ा दिया सेंट्रल एक्साइज लगा लगा के, और आप आज बात करते हैं एड वैलोरम टैक्स की, सेंट्रल एक्साइज की, ये सब बहाने हैं। मैं आखिर में एक बात कहूंगा, एक बड़ी अच्छी लाइन है, मैं उसे पैराफ्रेज कर रहा हूं, किस काम की आपकी ये दलील और हुज्जत, जब बदल रही है जनता और अवाम की नीयत, किस काम की आपकी दलील और हुज्जत, आपकी असलियत सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, जितना आपको बोलना है बोलिए, आपको राहुल जी का नाम लेके उन्हें बुरा भला बोला है बोलिए, सूरज की तरफ थूकेंगे आपके खुद के मुंह पे गिरेगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा प्रशासन के आपके 6 महीने रह गए, कुछ अच्छा कर जाइए, बहानेबाजी और जुमलों के साथ। अब मैं तनेजा साहब से जवाब ले लूं, तनेजा साहब ये बात तो सही है कि जब कच्चे तेल के दाम कम थे तब सरकार ने बिल्कुल दाम बढ़ाए, ड्यूटी बढ़ाई और कहा कि भाई जब बढ़ेंगे तब हम उसका फायदा देश की जनता को देंगे। उम्मीद देश की जनता को ये थी कि जैसे कच्चा तेल 70 के पार निकला उसके बाद हमें राहत मिलेगी, 70 से 86 हुआ, साथ साथ रुपया भी कमजोर हुआ, अब जाके राहत मिली है, वो भी ना काफी, पूरी नहीं है, इसका जवाब आपको देना है और साथ ही खान साहब का भी। मैं सिर्फ दो, हाँ मैं देखिए पहली बात तो आप उसको दोबारा चला के दिखा दीजिए, मैंने ये कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कर चुके हैं, खान साहब तो वकील हैं अब उनको भी बताना पड़ेगा, मैंने कहा था कर चुके हैं हम ऑलरेडी, मैंने कहा करने की जरूरत है, मैंने नहीं कहा, तो शायद सुनने में कुछ गड़बड़ हुई होगी, चलिए मुझे तो ताज्जुब हो रहा है वकील होने के बावजूद ये नहीं समझे, तो चलिए कोई बात नहीं, दोनों के विचार मिल रहे हैं इस पे, दोनों के विचार मिल रहे हैं। मैंने कहा ये हो रही है कि आर्थिक विशेषज्ञ होने के बावजूद आप ऐसा बयान, अच्छा मैंने राहुल गांधी जी के लिए ये कहा कि सत्य कहा, सुन लीजिए मैंने राहुल गांधी जी के ये कहा कि राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है, पूछ लीजिए आपके दर्शकों से वो बोलते हैं या नहीं बोलते। दूसरा मैंने कहा कोई बुरा शब्द नहीं प्रयोग किया, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के अलावा किसी की खाक नहीं चलती, मैं दोबारा कह रहा हूं और आपके दर्शक जानते हैं सच्चाई है, इनको बुरा लग रहा है खान साहब को तो बुरा लगे, सच्चाई तो खान साहब यही है, पूरा देश आप दोनों को एक बात कहना चाहता हूं, इस बहस में ना पड़े हम, क्योंकि देखिए हर राजनीतिक पार्टी में हम कहने के लिए लोकतांत्रिक देश में, एक मिनट तनेजा साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूं, कहने के लिए हम लोकतांत्रिक देश में हैं, ये बात सही है, लेकिन हमें सब पता है पूरे देश में चाहे वो नेशनल पार्टीज हों चाहे रीजनल पार्टीज हों, हर पार्टी में उनके नेता की ही चलती है, ये नॉन सीक्रेट सबको है। तनेजा साहब बात पूरी करें। हाँ अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना था, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप जगह जगह जाके बोलते हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है, तो आप बोलिए कि भाई गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, ये एक अच्छा रिफॉर्म है, बोलिए, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, बाकी राहुल गांधी की कोई अहमियत नहीं है, हम नहीं मानते राहुल गांधी कोई बड़े नेता है, हम नहीं मानते, कतई नहीं मानते, खान साहब आप चाहते हैं आपकी पीठ थपथपाई आप जनता के, वो बड़े नेता नहीं है, खाक भी गिनती नहीं, आप तारीफ का इंतजार कर रहे हैं, सुन लीजिए खान साहब, एक मिनट सुनिए खान साहब, सुनिए मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा जी, खान साहब आपको जो बोलना है बोलिएगा, खान साहब बौखला क्यों रहे हैं जी, अपने अपने देवता की बुराई नहीं सुनी जा रही, अपने देवता के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, देवता नहीं है लोकतंत्र है, मात्र नेता है वो आपके, आप लोगों ने देवता मानते हैं, देवता नहीं है वो आपके, ये लोकतंत्र नहीं कहलाता, चलिए कोई बात करिए, ठीक है आज हमारी करिए, आज हमारी बहस का मुद्दा ये नहीं है, पंजाब ने जब से कीमतें बढ़ी हैं, पंजाब में जब से कीमतें बढ़ी हैं 34.86% उनके रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू आए हैं पंजाब के अंदर, 34% उनकी बढ़ोतरी हुई है एडिशनल रेवेन्यू की, क्यों नहीं कम दाम कम कीजिए, खान साहब बोलना नहीं पंजाब में दाम कम कीजिए, वरना बोरिया बिस्तर उठाइए और जाइए टीवी स्टूडियो से, जाइए यहाँ से, पंजाब में लोगों को राहत दीजिए, ऐसा नहीं पंजाब में राहत दीजिए, मेरे शो में राहत दीजिए, एक मिनट मेरे शो में सब सारे मेरे शो में जितने भी पैनलिस्ट हैं सबके लिए बराबर इज्जत है, सम्मान है, रेस्पेक्ट है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देश की जनता का जवाब आपके सामने रख दूं ताकि आप सबको ये समझ में आए कि इस मुद्दे पर देश की जनता क्या सोच रही है। क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई कटौती काफी है? सिंपल सा सवाल है कि क्या जो कटौती की गई वो काफी है? बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, 46% लोग ये मान रहे हैं यहाँ काफी है, 5 रुपए ठीक है अगर सब लोग मिलकर कर लें, क्योंकि केंद्र सरकार और तेल कंपनियां तो करेंगी, अगर 2.5 रुपए
राज्य भी घटा दें तो 5 रुपए की कटौती काफी है, 46% लोग मानते हैं। वहीं 54% लोग ये मानते हैं जी नहीं, ये काफी नहीं है। तो मामला बराबरी का है ये है। और ऐसा ही नहीं मानने वालों में शायद कुछ हद तक बसंत माहेश्वरी साहब भी हैं। माहेश्वरी साहब, मार्केट एक्सपर्ट को एक बार आप अलग रखें, एक आम नागरिक के तौर पर सोचें कि क्या वाकई में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ने देने के बाद कटौती करनी चाहिए? पहले से कटौती करते हैं, छोटी छोटी करते हैं तो वो बेहतर होता, या एक साथ 5 रुपए का रिलीफ लगता, अरे बड़ा फायदा मिला है, क्या सही है? नहीं, जैसे मैंने कहा इसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आम नागरिक हूं तो 5 रुपए एक्चुअल में फर्क उतना नहीं पड़ता है जितना हम लोग इसकी बातें करते हैं। आज आदमी पिज्जा खाता है 500 रुपए का खा जाता है, तो ये नहीं बोल सकते कि जो टू व्हीलर चला रहा है वो पिज्जा नहीं खा रहा है या वो पीवीआर में मूवी देखने नहीं जा रहा है। तो अगर आप बहुत ही ब्रॉड व्यू ले, 30,000 फीट का व्यू ले, एरोप्लेन के ऊपर से सारे कुछ देखे, इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी कलेक्टिवली मिलके लग जाती है। और ये कोई जिंदगी भर के लिए क्रूड थोड़ी $85 रहेगा, क्रूड नीचे आना ही आना है, तो कमोडिटी है, कमोडिटी साइकिल में होती है। ये 2-4, 6 महीने के 8 महीने की तकलीफ है और ये आई और चली जाएगी, लेकिन वो 8 महीने अगर इलेक्शन के पहले आ जाती है तो जनता को और गवर्नमेंट को सबको तकलीफ होती है। लेकिन इतनी समझदारी हम जितनी बातें कर ले होती नहीं है, हमारे में भी, मेरे में भी शायद नहीं होगी। तो बोलने की बात और है वो, और करने की कुछ और। ठीक बात है। श्रीनिवास राघवन साहब, वाकई में क्या कोई भी सरकार हो, ये बीजेपी की सरकार की बात नहीं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, क्या वाकई में सरकारों के हाथ के बाहर की बात है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, कच्चा तेल ऊपर नीचे होगा, रुपया ऊपर नीचे होगा, कोई भी सरकार एक लिमिट से ज्यादा कुछ कर सकती है क्या इस मुद्दे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास तेल है नहीं, इम्पोर्ट करते हैं, तो इम्पोर्ट प्राइसेस पे जब तक आप डिपेंडेंट हैं तब तक आपको जो भी प्राइसेस हैं उसको फेस करना पड़ेगा। सवाल रह जाता है कितना टैक्स लगाएं। अब देखिए, टैक्स अभी सब लोग कह रहे हैं कि इतने लाख करोड़ सरकार ने लूट लिए, ये सब सरकार के पास पैसा जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या बाकी मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट्स के पॉकेट्स में थोड़ी जाता है। सो मच ऑफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स, और जो सरकार के पास में बचता है वो करीब 20% बचता है, 20-23 व्हाटएवर, इसी, बट इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो ब्रॉडली जो मोहन गुरुस्वामी ने कहा कि जो सरकार को जो पैसा टैक्स से जुटाना है जी, वो उन्हीं चीजों से जुटाएगी जिसमें डिमांड जो है इनइलास्टिक हो और जिसका कलेक्शन कॉस्ट बहुत कम हो। अब पेट्रोलियम टैक्सेस का कलेक्शन कॉस्ट वर्चुअली जीरो है और डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, तो इसलिए इस पे टैक्स लगाना बिल्कुल वाजिब है। अब सवाल ये बनता है कि कितना टैक्स लगाएं, 2 रुपए लगाएं कि 20 रुपए लगाएं, वो तो अगर आपके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हों तो आप 2 रुपए लगा सकते हैं, अगर आपके पास वो सोर्सेज हैं नहीं तो आपको ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसका असर कहाँ पड़ता है? अगर आप टैक्स कम लगाते हैं और आपके पास में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है नहीं तो फिस्कल डेफिसिट पे पड़ेगा। लोग बात ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक डिज़ाइन जो होता है जी, वो एक संदर्भ में बनता है और टेक्निकल चीज़ है। अब कौशिक बासु जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने एक बार एक बहुत सुंदर लेख लिखा था, उसकी शुरुआत उन्होंने ऐसे की थी कि एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में सिर्फ एरोनॉटिकल इंजीनियर्स करते हैं जी, पर जहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वहाँ पे सभी लोग उसमें जुट जाते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी पे एडवाइस देने के लिए। बट मैक्रो फंडामेंटल्स ऑफ अ कंट्री जो हैं ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, इसमें बतेरी चीज़ें आती हैं। अब प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि ये सब चीज़ें पॉलिटिसाइज हो जाती हैं। अभी जैसे किसी ने कहा कि महेश्वरी साहब ने, आई थिंक दैट ये इलेक्शन के पहले आ गया इसलिए पॉलिटिकल इशू हो गया, अगर 6 महीने बाद अगर ये प्राइसेस बढ़ती इंटरनेशनल तो दिस वुड नॉट हैव बीन सच अ बिग इशू। ठीक बात है। सो आई थिंक वी शुड जस्ट लीव इट एंड यू नो जो है एक्सेप्ट करिए। ठीक बात है। वासुदेव साहब, क्या ये बेहतर तरीका होगा सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, की आप परसेंटेज टर्म्स में ड्यूटी लगाएं उसके बजाय फिक्स कर दें, ताकि भाव जब बढ़े तो सरकारों को अनाप शनाप फायदा ना हो और पब्लिक को इतनी परेशानी ना हो, और भाव घटे
तो भी सरकार के रेवेन्यू में कमी ना आए, तो ये वो एड वैलोरम की बजाय फिक्स ड्यूटी लगा दें रुपए में, वो ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है सर? नहीं, फिक्स ड्यूटी तो है ही, एक्साइज ड्यूटी जो लगती है वो तो फिक्स लगती है, वो एड वैलोरम नहीं है। जो स्टेट के जो टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स वगैरह जो हैं जी, वो एड वैलोरम रेट पे हैं जी। तो एक्साइज ड्यूटी तो फिक्स रेट पे है, मगर वो फिक्स रेट भी जो है वो जब ये क्रूड ऑयल की प्राइस 25-30 डॉलर हो गई थी तो फिक्स रेट बढ़ा दिया गया था, ना कि कोई एड वैलोरम से बात। मगर देखिए इस समय जो बात है, ये हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी डेलिकेट दौर से गुजर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट पे दबाव है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, तो ये सारी चीज़ें इतनी मिली जुली हैं आपस में कि एक चीज़ को आप छेड़ेंगे तो उसका चेन रिएक्शन होता है। तो जहाँ आप ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का अगर मॉडल चलाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो अगर मार्केट के दाम ऊपर नीचे जा रहे हैं तो जाने देने चाहिए। जहां सरकार ने इंटरवीन किया एक चीज में तो दूसरी चीज में भी करना पड़ेगा, तो उसका तो बहुत बुरा असर होता है। तो ये मार्केट प्राइसेस के हिसाब से जो ऊपर नीचे जा रहे हैं इनको जाने देना चाहिए। थोड़ा अगर सब्सिडी देने की जरूरत है या टैक्स कम करने की जरूरत है तो डीजल वगैरह जो आम आदमी के इस्तेमाल की ज्यादा है उसके ऊपर थोड़ा सा आप कर सकते हैं, मगर वो पॉलिटिकल थोड़ा सा पॉपुलिस्ट टाइप का होगा। मगर प्योर इकोनॉमिक थिंकिंग या अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फ्री मार्केट है इसको मैं मानता हूँ कि चलने देना चाहिए। ठीक बात है, तो फ्री मार्केट पॉलिसी रहे होंगी जी। आज 85 है, कल को कम होंगे जी। हाँ, ये पॉलिटिक्स ज्यादा इकोनॉमिक्स को ड्राइव करेगा तो ये तो खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल, राजनीति हावी ना हो इकोनॉमी पे ये ज्यादा जरूरी है। और एक सॉल्यूशन जो शायद हो सकता है, पांडे साहब आप बताएं उसपे अपनी राय दें कि क्या वाकई में ये टैक्स के लिए हम लड़ते रहेंगे या फिर हिंदुस्तान को पेट्रोल और डीजल के मामले में, कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और उसके लिए इस सरकार और पीछे वाली और आने वाली सरकारों को उस पर ज्यादा काम करना चाहिए, बजाय हम टैक्स को लेकर कम ज्यादा करने को लेकर लड़ाई करते रहे। देखिए, जितनी आत्मनिर्भरता जितनी बढ़ जाए उतनी अच्छी है जी, लेकिन ये तेल का जो मामला है, हमारी निर्भरता काफी हद तक विदेशों पर रहेगी जी। इसीलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है और आने वाले वर्षों में 2030 तक स्थिति बदल जाएगी, लेकिन अभी इसका कोई एस्केप नहीं है। हम 80% इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये इम्पोर्ट अभी अगला 10 साल तक बढ़ता ही जाएगा, परसेंटेज टर्म में कम होने की उम्मीद नहीं है। जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, उदाहरण के लिए यदि इस साल का सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल बजट 24.5 लाख करोड़ का है तो उसमें 2.5 लाख करोड़ पेट्रोलियम POL पर टैक्सेशन से भारत सरकार को मिलेगा, बहुत ज्यादा है, 10% है। और जहां तक ये फिक्स्ड रेट वाली बात है, जब क्रूड का दाम 150 के ऊपर चला गया था तो उस समय सरकार ने एड वैलोरम ये भी था, एक्साइज ड्यूटी भी था, उसको पर लीटर कर दिया। अब जरूरत इस बात की है कि स्टेट्स का भी ये जो वैट है ये एड वैलोरम ना रह के इसको ऐसे किया जाए। टैक्स तो सरकार को लेनी ही पड़ेगी, बिना टैक्स के डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक बात। और अगर टैक्स घटा देंगे, जैसे आज जो कमी की गई है, तो इससे जनता को तो राहत जरूर है। जब सरकार को तो कई बातों का विचार करके इसमें इंटरवीन करना होता है। आइडियल स्थिति तो ये है कि सरकार इंटरवीन ना करे, लेकिन सर के ऊपर से जब पानी बहने लगा तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। स्थिति तो ये है कि आगे कुआं है पीछे खाई है, यदि दाम कम करो तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगेगा, उसको रोको तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम होने लगेगा, उसके अलग रेपरकशंस होंगे। तो सरकार को तो कई बातें, एक नेपाल का स्थिति देख लीजिए, नेपाल में पेट्रोल डीजल कहते हैं कि दाम बहुत कम है, लेकिन वहां गाड़ियों का प्राइस देख लीजिए, हमारे यहाँ जो मारुति गाड़ी मिलती है उसके दुगुने से भी ज्यादा वहाँ दाम है मारुति कार का। तो सरकार को कहीं ना कहीं से टैक्स का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ठीक बात है। मोहन गुरुस्वामी साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा, मोहन गुरुस्वामी साहब, क्या कोई ऐसा बैलेंस बनाया जा सकता है जहाँ राजनीति का भी जो उनका पर्पज है वो सॉल्व हो जाए और इकोनॉमी को भी ज्यादा नुकसान न पहुंचे? ऐसा बैलेंस बनाकर
कोई ऐसा सॉल्यूशन सरकार दे सकती है, पब्लिक परेशान ना हो, इकोनॉमी दुरुस्त रहे और राजनीतिकरण भी इस मुद्दे का ना हो? बहुत कठिन है। अगर इसकी राय को दे सकता है तो वो सारी इकोनॉमी को सुधार सकता है। बहुत, जैसा पांडे साहब कह रहे थे कि बैलेंस करना होता है। अगर आज 10,500 करोड़ रुपए कम किए तो किसी और की जेब से आएगा वो, या किसी कार्यक्रम पे कम पैसा खर्च होगा, तो ये कहना कैसे निकलना पड़ेगा। अगर एक लॉन्ग टर्म दृष्टि से देखेंगे तो अगर आप डोमेस्टिक जो भी इनकरेज करने के लिए ऑयल एक्सप्लोरेशन या ऑयल प्रोडक्शन या ऑफशोर इनकरेज कर, तो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट रीच देनी चाहिए उसके लिए। अब आसाम में जो तेल निकल रहा है, थोड़ा सा निकलता है, वो 60-70 साल उसके पहले से भी आ रहा है, उसको क्या आप $8-10 देते हैं पर बैरल? ऐसी इंटरनल तो कोई एक्सप्लोरेशन के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है। ये पुरानी नीति आई है, आप आसाम को एक्सप्लॉयट करके वो पैसा दूसरों को दे रहे हैं। बॉम्बे हाई है या केजी गैस है, इनको भी आप मार्केट प्राइस दीजिए, इस पर कोई नीति नहीं है। और GST आप तो कम नहीं कर सकते, GST पे आप GST को लागू ही नहीं कर सकते। अगर आप GST लागू कर देंगे मैक्सिमम रेट 28% पे, तो आपको 10 रुपये पर लीटर मिलेगा। जब आप 30 रुपये पर लीटर जमा कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी गुंजाइश ही नहीं है, उसके बारे में सोचिए मत। क्योंकि अगर सोचना तो एक 10 साल के प्लान पे इसको सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल में सारे दलों को इसको तू-तू-माई करने के बजाय बैठ के सोचना चाहिए कि ये एक बड़ा मुद्दा है देश का। परफेक्ट, बिल्कुल, संकट है जी, इसको तो, कैसे हम निपटें जी, बिल्कुल। तो करेंगे नहीं लोग। देखिए क्या कुछ होता है, इतना बड़ा मुद्दा है और देश के हर एक नागरिक के साथ जुड़ा है, तो राजनीति तो होगी, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, इकोनॉमी अपनी जगह। आज की बहस का सॉल्यूशन यह है कि देखिए सरकार ने राहत तो दी है और 5 रुपये की कुल मिलाकर अगर राहत मिले तो वो कम भी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो 5 रुपये बड़े दिखेंगे, लेकिन जिन दामों पे आने के बाद ये राहत की गई है उसको देखते हुए शायद 5 रुपये लोगों को कम लगे। लेकिन सॉल्यूशन ये है कि देखिए केंद्र और राज्य सरकारों को साथ मिलकर, पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बनाना है, जिसमें जब कच्चे तेल के दाम कम हो तो सरकार के पास अनाप शनाप पैसा ना आए, और जब कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ जाए तो जनता को बहुत ज़्यादा मार ना पड़े। एक प्रॉपर सॉल्यूशन अगर इस तरह का बनेगा और उसके साथ ही अगर देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा तो शायद हमें कुछ सालों बाद इस तरह की बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर वही होगा जो इफ्तिकार सागर साहब ने कहा है 2 पंक्तियों में कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी घर लगाया तो कांटों की नोक से। क्योंकि राजनीति जहां होगी वहां मरहम लगेगा तो भी कांटों से लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब है बारी आज के डायलॉग ऑफ द डे की, और आज के डायलॉग ऑफ द डे हैं मोहम्मद अली खान साहब और नरेंद्र तनेजा साहब। आइए सुनते हैं दोनों के डायलॉग्स। किस काम की आपकी ये दलील और हुज्जत, जब बदल रही है जनता और आवाम की नीयत, किस काम की आपकी दलील और हुज्जत, आपकी असलियत सब देख रहे हैं सर। राहुल गांधी जी से गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, तो ये तरह तरह की जुबान में बोलना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, और राहुल कांग्रेस का मतलब सिर्फ एक परिवार है और राहुल गांधी है, बाकी चाहे वो अपने को कुछ भी समझता, किसी की कतई कोई गिनती नहीं है कांग्रेस में। ठीक। और इसके साथ ही टीसी श्रीनिवास राघवन साहब का भी एक डायलॉग, वो भी डायलॉग ऑफ द डे, आइए सुनाते हैं। कि जो सरकार को जो पैसा टैक्स से जुटाना है जी, वो उन्हीं चीजों से जुटाएगी जिसमें डिमांड जो है इनइलास्टिक हो। आप तीनों को डायलॉग ऑफ द डे की बहुत बहुत बधाई। और आज के हमारे मैन ऑफ द मैच है बसंत माहेश्वरी साहब, जिन्होंने बाजार, इकोनॉमी और राजनीति तीनों की समस्याओं को पूरे सही ढंग से आपके सामने रखा। आइए सुनते क्या कहा उन्होंने। कच्चे तेल का दाम एक बाजार में रहने वाले आदमी की तरह, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हुए हम लोग, उनके लिए मुझे लगता है इसका कोई उपाय ही नहीं है। ये एक जॉन्डिस की तरह है, 3-4-5-6 महीना पेशेंट रहेगा, तकलीफ में रहेगा, कम खाए, नॉर्मल रहे, अपने आप ठीक हो जाएगा। माहेश्वरी साहब बहुत बहुत बधाई आपको मैन ऑफ द मैच की। और अब है
देश की बात के बाद कमाई की बात। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जी हाँ, ये एक योजना है जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए पेंशन मिलती है और इस योजना के तहत मासिक पेंशन लेने पर 8% सालाना ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन इस योजना में 15 लाख रुपए तक का निवेश करके हर महीने 10,000 रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं और 10 साल बाद पूरा जमा हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये है कमाई की बात, इस योजना का आप उठाएं फायदा। और ये थी आज की देश की बात। और देश की बात में जाने से पहले आप सब महानुभावों का शुक्रिया अदा करें। उससे पहले हर रोज की तरह देश की बात में एक सलाम, एक सैल्यूट देश के उन तमाम सैनिकों के नाम जो सरहद पर खड़े होकर आपकी हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।